नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे बीच में है कि गोबर की खाद जो है वो कैसे बनाई जाती है। तो उसके लिए आज इसके अंदर हमने डिफरेंट टॉपिक ऐड किया है और वो है चलारू, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, जो ये आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। इससे जो है हम कैसे जो है वो खाद बनाते हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले जो है आपने ये जो है इकट्ठा कर लेना है। इसके बाद इसको जो चिलारू था जिसको हम बोलते हैं, उसको लेके जो है हमने ये देखो यहाँ पे नीचे जो ये भैंस है, भैंस गाय जो भी है उसके नीचे जो है हमने इसको बिछा देना है ऐसे। इसके बाद जो थर्ड इसके बाद क्या करना है, 2 या 3 डेज के बाद जो है इसको जो है हमने उठा के जो है साइड पे रखना है, जिससे जो है वो एक अच्छे तरीके से जो है वो इकट्ठा हो जाए एक जगह के ऊपर। फिर इसके बाद जो हमारा फोर्थ जो मेथड है, उसके बाद जो है इसका इकट्ठा करके जो है हमने ऐसे जो है एक जगह के ऊपर रख लेना है। कम से कम भी ये 1 या 1.5 महीने तक जो है हमने ऐसे इकट्ठा करके रखना है, जिससे क्या है ऑटोमेटिकली जो है वो ये देखो ये जो चलारू था जो हम देखा था, ऑटोमेटिकली जो है ये इसके साथ जो है वो अच्छे तरीके से मिल जाता है। ये देखो कैसे जो है ये अच्छे तरीके से मिल गया। फिर 2-3 मंथ के बाद एक प्रॉपर तरीके से जो है ये खाद जो है वो बन जाती है। इसमें जो है ध्यान ये रखना है कि प्रॉपर तरीके से इसको जो है मिल जाना चाहिए एक दूसरे के साथ, और जिससे जो है एक अच्छी खाद जो है नेचुरल जो है आप घर में ही खाद जो है वो तैयार कर सकते हो। इतनी महंगी खाद बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो और भी हम वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, बाय।